दीपिका अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेटर है, बहुत काफ़ी ठीक है वो पहले से। एंड यस, थोड़ा बहुत पेन अभी है क्योंकि सी सेक्शन हुआ है, सारी चीज़ें सी सेक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि प्रीमेच्योर है, चीज़ें करनी पड़ी। एंड यस, थोड़ा बहुत अभी स्टिचेस का पेन है, तो धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है। सी सेक्शन हुआ वो भी पूरा उन्होंने किया, और वो तो उससे पूछ भी रही थी, मैं था एक्चुअली उस टाइम पे जब पूरा प्रोसेस चल रहा था ओटी पे, मैं इसके पास में ही बैठा हुआ था। एंड डॉक्टर उससे पूछ रही हैं यू नो कि दीपिका, क्योंकि ये एनेस्थीसिया में थी, थोड़ी सी ये हैप्पी हाई थी उसमें, हाँ। एनेस्थीसिया में इसको, क्योंकि नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आता ना, हल्की सी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन तब भी आप होश में होते हो कि अच्छा क्या चल रहा है। मतलब वो मुझे डॉक्टर ने, जो एनेस्थेटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जब मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिजी लगेगा। तो आई वॉज इन दैट डिजी जोन, बट आई न्यू मतलब आई वॉज कॉन्शियस, मुझे पता था क्या हो रहा है, आई कुड हियर व्हाट समबडी इज टॉकिंग टू मी, तो वो था मेरा सिचुएशन। तो डॉक्टर इससे पूछती हैं, क्या बोलते हो दीपिका, क्या होगा, बॉय और अ गर्ल? एंड ये वहीं पे, मैम गट फीलिंग है बॉय होगा, मैम गट फीलिंग है बॉय है, गट फीलिंग बॉय है। 5 मिनट में डॉक्टर्स बोलती है मुबारक हो, इट्स बॉय। तो ये वहाँ पे मतलब लिटरली ओटी में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने, कहा था इट्स अ बॉय, इट्स अ बॉय। मैंने बहुत एंजॉय किया अपना वो पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस है, बहुत मैंने हल्ला मचाया है सच में। एवरीबडी चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, मैं तो मिला हूँ सबसे, सब ये बोल रहे थे बहुत स्ट्रांग है दीपिका, बहुत स्ट्रांग है दीपिका। एंड उसके बाद जब 28th को हम घर गए, यू नो मैं चेंज करके बैठा एंड सारी जो चीजें प्रोसेस हुई, हमें डॉक्टर को फोन किया रात में 3 बजे, डॉक्टर ने 2 रिंग में फोन उठाया एंड कुछ ही पहले। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल है बेबी और मम्मी को लेके, कि डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और दीपिका कैसे है, और बेबी कहाँ पर है, इन ICU है में या फिर घर में। तो आज आप लोगों को सारे सवाल जो है उसका आंसर जो है मिल जाएगा, क्योंकि शोएब ने पोस्ट कर दिया है न्यू ब्लॉग जिसमें आप लोगों को सारे अपडेट मिल जाएंगे। और यहाँ पर शोएब ने जो है कहा है कि बेबी अभी NICU में है क्योंकि प्रीमेच्योर हुआ है, और थोड़ी दिन लगेगा बेबी को रिकवर होने में, और जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन से हुआ है, और दीपिका अभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेबी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इब्राहिम फैमिली के साथ घर चले जाएंगे, और बहुत अच्छे से बेबी का वेलकम होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग दुआ कीजिए बेबी के लिए, और देखते रहिए इब्राहिम फैमिली की ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर कोई भी नई अपडेट्स आए तो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए।